जी थी थोड़ी सी, तो वो है, तो कर लेते हैं हम लंच। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो आप संडे स्पेशल कैसे करते हैं? आजकल तो बच्चे की कचौरी ही, पालक की कचौरी यही बन रहा है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ लंच। मुझे नहीं लगता कि मैं चार ही खा पाऊँगी, क्योंकि 32 बार जब हम चबा चबा के खाते हैं ना, 32 से ज़्यादा भी हो जाता है तो मुश्किल होता है। लेकिन भूख बहुत तेज़ लग रही है, तो देखिए मैं इतनी इतनी बाइट बना के खाती हूँ। और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, आपको पता ही है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ लंच, उसके बाद बात करूँगी। और फ्रेंड्स, चटनी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। अभी मैंने बस नहा के आई थी और मुझे ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो वही सुबह गर्म पानी पीना, अजवाइन का पानी पीना, तो मुझे उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा लग रहा है। बस वही पीती थी और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने बिना कॉम वगैरह कुछ नहीं करा, बस एक बिंदी और सिंदूर लगाया और मैं लंच करने बैठ गई। काफ़ी लेट हो गई, 1 बज गया। तो और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना रात को डिनर पे मैंने बनाया है साग। और साग ना, ये हमारे गार्डन का साग है, तो बस लहसुन का छौंक मार दे और बहुत ही अच्छा साग बनता है जब घर में गार्डन में साग लगा होता है, और बहुत ही टेस्टी साग होता है। सर्दियों में बस साग ही बनता है, तो आज से पूरे दिन साग ग्रीन कुछ बनता ही रहा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, साग बन चुका है। और उसके बाद जो बथुए का थोड़ा सा आटा रखा था ना, तो मैंने वही आटे के पराठे बना दिए। और लेकिन भव्या कह रही थी मैं नहीं खाऊंगी अब बथुए के पराठे, तो मैंने कहा बेटा खा लिया, अब आटा मला हुआ रखा है, अब मैं अलग से यात्रा को आटा मलूँ। तो बस उसको मना रही थी लेकिन वो मान गई फिर भी। तो बस यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ और अच्छे लगते हैं बथुए के पराठे साग से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबका खाना पीना हो गया है और मैं अब किचन को क्लीन कर रही हूँ, गैस साफ कर रही हूँ। और सर्दी बहुत हो रही है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा है मेरा ये इन्फॉर्मेटिव 32 बार फॉर्मूला की वीडियो? तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन के साथ प्रेस कीजिएगा, ताकि अच्छे अच्छे वीडियोज़ मेरे आपके पास आते रहें। तो यहाँ पर मेरी किचन भी क्लीन हो गई है। और फ्रेंड्स, सर्दी बहुत है ना, तो इसीलिए मैं रात को ये कर देती हूँ। और मैं अधिकतर वैसे रात को बर्तन साफ़ करके ही सोती हूँ, बस 1-2 प्लेट रह जाती है जो मेरी और इनकी होती है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन रात को साफ करके ही सोती हूँ। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, बाय।